क्लास थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस वीडियो नंबर 3। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न चैप्टर 3 आवर फैमिली। बच्चों हमने वीडियो नंबर 1 और 2 इसका पढ़ लिया है। 1 में हमने आवर फैमिली में टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ा था और रामा की फैमिली के बारे में पढ़ा था। वीडियो नंबर 2 में लक्ष्मी के फैमिली के बारे में पढ़ा था और ये रिलेशन ट्री और ये टेबल को पढ़ा था। इसके आगे का आज करेंगे। देखिए, राइट द क्वालिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ योर फैमिली। आपको अपने फैमिली मेंबर के क्वालिटी के बारे में बताना है। यहाँ सीरियल नंबर लिखना है आपको, यहाँ मेंबर के नाम लिखना है और यहाँ क्वालिटीज, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है मदर। मदर की क्वालिटी में दिया है कि कैन डू ऑल टाइप ऑफ वर्क ऑन अ कंप्यूटर। वो सभी तरह के वर्क कंप्यूटर में कर सकते हैं, सभी तरह का काम उनको कंप्यूटर का आता है। तो इसी तरह आप भी अपने मम्मी के क्वालिटी के बारे में आप लिखेंगे। अगर आपकी मम्मी के खाना बनाना बहुत अच्छा आता है तो लिख सकते हैं कुक वेरी डिलीशियस फूड, सी कुक फूड वेरी डिलीशियस फूड लिख सकते हैं। अपने ब्रदर का भी लिखेंगे, फादर का, ब्रदर का, सिस्टर का, है ना, इस तरह से आप उनका नाम लिखेंगे और उनके जो क्वालिटीज है उसके बारे में लिखेंगे। अगर आपके भाई को क्रिकेट खेलने में माहिर है तो आप लिख सकते हैं ही प्ले क्रिकेट वेरी नाइस, है ना। और अगर आप अपनी बहन के ड्राइंग या पेंटिंग जो भी है क्वालिटी उसको आप यहाँ शो करेंगे, लिखेंगे, है ना। आगे देखते हैं, ऑल मेंबर ऑफ अ फैमिली वर्क टुगेदर। हाउ डू यू हेल्प द मेंबर ऑफ योर फैमिली इन दिस वर्क, राइट इट। सभी फैमिली मेंबर कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, मिलजुल कर काम करते हैं और आप उनके काम में किस तरह के हेल्प करते हो इसे यहाँ आपको फिल करना है। अगर आप अपनी मम्मी का हेल्प करते हो तो आप लिख सकते हो कि सम टाइम आई क्लीन द फ्लोर, कभी कभी मैं क्लीन करता हूँ फ्लोर को। जिस भी काम में आप हेल्प करते हैं यहाँ लिखेंगे। डू ऑल द मेंबर इन योर फैमिली ईट टुगेदर, इफ नो व्हाई। क्या तुम्हारे फैमिली मेंबर सभी एक साथ खाना खाते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं खाते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे अगर खाते हैं तो यस लिखेंगे, यस माय फैमिली मेंबर ईट टुगेदर। अगर नहीं खाते हैं एक साथ तो रीजन बता सकते हैं, अगर आपके पापा बाहर बिजनेस में बाहर में रहते हैं, टाइम पे नहीं आ पाते हैं तो आप लिख सकते हैं नो एज माय पापा इज बिजनेसमैन सो कम डिले एवरी डे। आगे देखते हैं, हु इट्स इन द एंड इन योर फैमिली, आखिरी में आपके फैमिली के खाने के बाद आखिरी में कौन खाता है। अगर मम्मी खाती है तो आप लिख सकते हैं माई मदर इट्स इन द एंड इन अवर फैमिली। हु डज नॉट हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड वाई। कौन है जो खाना बनाने में हेल्प नहीं करता और क्यों नहीं करता, अब बताएं खाना बनाने में कौन नहीं हेल्प करता है। अगर मान लो आपके ब्रदर नहीं करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ब्रदर नहीं करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, ये आप उसका रीजन लिखेंगे। वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम अवर फैमिली, हम अपने बहुत सारी चीजें अपने फैमिली मेंबर से सीखते हैं। नंदनी लर्न टू राइड द बाइसिकल फ्रॉम हर पैटर्नल अंकल, है ना, वो अपने पैटर्नल अंकल मतलब चाचा से सीखती हैं। नंदनी जो है साइकिल चलाना अपने चाचा से सीखती है। यू ऑल्सो मस्ट हैव लर्न मैनी थिंग्स, आप भी बहुत सारी चीजें सीखते होंगे ना अपनी फैमिली से, तो कौन से सीखते हैं और कैसे सीखते हैं ये आपको यहाँ पे फील करना है। ओके बच्चों, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ओरल और रिटन क्वेश्चन। हाउ डू यू हेल्प द यंगर मेंबर ऑफ योर फैमिली, आप अपने यंगर मेंबर फैमिली का क्या हेल्प करते हो, अपने छोटे भाई बहन का किस तरह का हेल्प करते हो ये आपको लिखना है। अगर आप उनके स्टडी में हेल्प करते हैं तो आप लिख सकते हैं आई हेल्प यंगर मेंबर ऑफ माई फैमिली इन देयर स्टडीज, है ना, या होमवर्क कराते हैं तो इन देयर होमवर्क, है ना, ये लिख सकते हैं। डज योर फैमिली डू एनी बिजनेस आर वर्क, इफ यस देन वाट। आपके फैमिली मेंबर में क्या बिजनेस करते हैं, क्या वर्क करते हैं ये लिखना है। क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं तो यस लिखना है, और क्या काम करते हैं वो लिखना है, है ना। तो आप लिख सकते हैं यस माय फैमिली डू, जो भी काम करते हैं बिजनेसमैन है तो
जो भी काम करते हैं उस लिख सकते हैं. माई यस माई फैमिली डज बिजनेस, वी हैव अ शॉप, है ना. हाउ डू यू हेल्प इन दिस वर्क, आप उनके वर्क में कैसे हेल्प करते हो. अगर शॉप है तो लिख सकते हो आप, यस आई हेल्प माई फैमिली डू सिटिंग इन शॉप, मैं शॉप में बैठता हूँ, है ना, दुकान में बैठता हूँ करके लिख सकते हैं. अब देखिए रिटर्न में देखिए, फाइंड द रिलेशन फ्रॉम द पजल एंड इन सर्कल देम. यहाँ पे पजल दिया गया है बच्चों, उसको उसमें देखिए यहाँ दिया है फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, है ना. तो यहाँ पे फादर को सर्कल किया गया है. इसी तरह आप मदर ढूंढेंगे, मदर की स्पेलिंग, फिर ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ये वर्क आप करेंगे बच्चों. उसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया है आर देयर एनी कस्टम्स इन योर फैमिली, इफ यस व्हाट आर दे. अगर आपके फैमिली में कोई रीति रिवाज है तो है तो यस लिखोगे, और नहीं है तो नो लिखोगे, और है तो क्या है वो लिखना है. डज एनी वन इन योर फैमिली हैव एनी स्पेशल हैबिट, क्या आपके फैमिली में किसी मेंबर के कुछ स्पेशल हैबिट है, जैसे कि लाउडली टेलिंग जोक्स बोलना, जोर जोर से हंसना, अगर इस तरह का कुछ हैबिट है तो आप उसको लिखेंगे. बच्चों ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया. बच्चों ये होमवर्क में आप ये पजल करेंगे, और इधर के ये वाले मदर के क्वालिटी, फादर के क्वालिटी, या मदर फैमिली मेंबर के क्वालिटीज आप यहाँ फिल करेंगे, और ये क्वेश्चन आंसर फिल करेंगे. ओके, ये आपका होमवर्क है. ओके, बाय.